तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं कौन सा बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आज हमारा जो बिजनेस आइडिया है वो है ब्यूटी पार्लर। और यकीन मानिए, आजकल महिलाएं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मेंटेन रखना पसंद करती हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हों, चाहे वो बाहर जाने वाली महिलाएं हों, ऑफिस जाने वाली महिलाएं हों, क्योंकि हर किसी को बेहद पसंद है कि उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिले। कोई ये बोले कि भाई तुम्हारी स्किन तो बहुत ग्लो कर रही है, या फिर तुम्हारा हेयर कट बहुत अच्छा है, कहाँ से करवाया। तो ये तमाम बातें सुनने में बेहद अच्छी लगती हैं, लेकिन ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस अगर आप खोलती हैं ना, तो ब्यूटी पार्लर के बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। क्योंकि ब्यूटी पार्लर की अगर मैं बात करूँ, सैलून की बात करूँ, तो ये लगभग वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको एक ही बार में अपना पूरा पार्लर सजाना है, शीशे लगवाने हैं, या फेशियल क्रीम खरीदनी है, तो आप एक फेशियल क्रीम से ना जाने कितनों का फेशियल कर सकती हैं। उसके लिए आप अच्छा खासा उनसे पैसा ले सकती हैं, क्लाइंट को देख के पैसा ले सकती हैं। धीरे धीरे आपका बिजनेस जब ये ग्रो करेगा, तो आप छोटे शॉप से शुरू कर या फिर घर से ही शुरू कर आप इसे एक बड़े से सैलून में चेंज कर सकती हैं, और इसके बाद आप इसकी ब्रांचेज भी खोल सकती हैं। खैर, ये बहुत दूर की बात है, लेकिन जो शुरुआत है वो आपको आज मैं बताऊंगी कि कैसे आप ब्यूटी पार्लर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप किस तरह के वीडियोज़ आगे देखना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे करें ब्यूटी पार्लर का बिजनेस शुरू। ब्यूटी पार्लर किसे कहते हैं और ये क्या है? सरल भाषा में कहें तो ब्यूटी पार्लर एक ऐसी जगह है जहां हर्बल या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की मदद से लोगों को गुड लुकिंग बनाया जाता है, साथ ही लोगों की ब्यूटी को निखारा जाता है। वो ब्यूटी जो हर व्यक्ति में मौजूद है, उसकी केयर करके, कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स करके उस ब्यूटी को सही से उभारा जाता है। ब्यूटी पार्लर में दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? आंखों की आईब्रो को ठीक करना, हाथ एवं नाखूनों का रखरखाव, पैर एवं पैर की उंगली के नाखूनों का रखरखाव, सर की मसाज, बालों की ब्लीचिंग, चेहरे की ब्लीचिंग, फेशियल, बालों का स्टाइल देना, बालों की कटिंग, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, ऑफिस या रेगुलर मेकअप, बालों की पफिंग, अनचाहे बालों को निकालना, बॉडी स्पा देना, मसाज देना, स्किन क्लींजिंग ट्रीटमेंट आदि। ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए किन किन उपकरणों यानी कि मशीनों की आवश्यकता होती है? अल्ट्रासोनिक मशीन, इलेक्ट्रोलाइसिस, हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन, त्वचा विश्लेषक, ड्रेसिंग मेज, बड़ा दर्पण, रोटेटिंग चेयर, रेफ्रिजरेटर, फिटिंग एंड फर्नीचर, फेशियल करने के लिए कुर्सी, बाल काटने वाली मशीन, फेशियल करने का बेड, हेयर ड्रायर, बॉडी मसाज करने वाला यंत्र, हेड स्टीमर, मेकअप क्रीम, हाई फ्रीक्वेंसी मशीन, शैम्पू वॉश यूनिट, उपकरण रखने हेतु ट्रॉली, फुट स्पा, फेशियल स्टीमर, स्टरलाइजर, गैल्वेनिक मशीन आदि। ब्यूटी पार्लर बिजनेस में यूज आने वाली रॉ मटेरियल कौन से हैं? बाल स्प्रे, बालों के लिए जेल, परमिंग लोशन, स्पंज कॉटन, विभिन्न प्रकार के तौलिए, सर्जिकल दस्ताने, बाल धोने वाला शैम्पू, बालों की डाय, चेहरे पर लगाने वाली क्रीम एवं लोशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बालों को हटाने का वैक्स, फेशियल किट, पेडिक्योर मैनिक्योर किट, बॉडी स्पा किट, मसाज किट, हेयर केयर किट, स्किन केयर किट, ब्लीच आदि। पार्लर के बिजनेस को लेकर कई बार हमारे पास सवाल भी आए हैं कि पार्लर के बिजनेस के बारे में बताइए, और सवाल ऐसे भी आए हैं कि जैसे एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि ब्यूटी पार्लर किस उम्र में और किस जेंडर के लोग खोल सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये रहा। कई बार लोगों की तरफ से ये सवाल आता है कि ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कितने और कितनी उम्र के लोग कर सकते हैं, या क्या इस बिजनेस को जेंडर स्पेसिफिक माना जाए। तो इसका जवाब है, किसी भी बिजनेस को करने का कोई समय नहीं होता, लेकिन हाँ, यदि ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करना चाहते हैं तो 16 से लेकर 40 साल या 45 साल की उम्र के लोग आसानी से शुरू कर सकते हैं। हालांकि एक बार फिर से क्लियर कर दें कि बिजनेस को उम्र की समय सीमा नहीं बांध सकती। ऐसा नहीं है कि ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कोई जेंडर स्पेसिफिक है, लेकिन हाँ, अधिकतर महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कुछ खास तरह के ट्रीटमेंट महिलाओं से करवाना चाहते हैं। तो यदि आप पार्लर खोलने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसको जेंडर स्पेसिफिक तो बिल्कुल मत रखिए, लेकिन हाँ, अगर आप फिर भी इसको जेंडर स्पेसिफिक रखना चाहते हैं, क्योंकि कई ऐसे सैलॉन्स होते हैं जिनमें लिखा होता है यूनिसेक्स, उसका मतलब होता है कि इसमें महिलाएं भी आ सकती हैं और इसमें पुरुष भी आ सकते हैं, और इन सैलॉन्स के अंदर आप जाते हैं तो महिलाओं के लिए अलग सेगमेंट बना होता है और पुरुषों के लिए अलग सेगमेंट बना होता है, ताकि किसी भी तरह की कोई हिचकिचाहट ना हो। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि जो बड़े बड़े स्पास और बड़े बड़े जो पार्लर्स होते हैं, बड़े बड़े सैलून्स होते हैं, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको ट्रीटमेंट किससे लेना है, आपको महिलाओं से ट्रीटमेंट लेना है या पुरुषों से ट्रीटमेंट लेना है, तो ऐसे में आप अपना सजेशन रख सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी तरह का जेंडर स्पेसिफिक ये प्रोफेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इससे जेंडर स्पेसिफिक करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए खोलना चाहते हैं, तो आप महिलाएँ हायर कीजिए,
और अगर आप पुरुषों के लिए खोलना चाहते हैं तो आप पुरुषों को एज अ एम्प्लॉई हायर कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप कई जगह पर दोनों को हायर कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर बिजनेस कैसे शुरू करें? यदि आप इस बिजनेस को करने की सोच रहे हैं, आपको ब्यूटी के बारे में व ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही आपको ये काम आना चाहिए। यदि आपको ब्यूटी सर्विसेज से जुड़े कोई भी काम नहीं आते तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो अपना जो इस काम के अच्छे खासे नॉलेज रखते हों, जिन पर आप पूरी तरह से भरोसा कर पाएं और जो आपके बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझ पाएं। ब्यूटी पार्लर में दी जाने वाली सर्विसेज की ट्रेनिंग लें या फिर कोई कोर्स करें। यदि आप ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपके ब्यूटी पार्लर में दी जाने वाली सर्विसेज का ज्ञान होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि आपको हर एक सर्विस में एक्सपर्ट होने की आवश्यकता है, लेकिन हाँ इतना तो आपको इन सर्विसेज का ज्ञान होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर किसी सर्विस को करने की जिम्मेदारी ले सकें। आप किसी ब्यूटी पार्लर में 6 महीने तक नौकरी करें जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि कैसे लोगों को ट्रीट करना है, किन सर्विसेज में कितना कॉस्ट होता है। यदि आप किसी और के पार्लर में काम करना नहीं चाहते हैं तो आप किसी इंस्टीट्यूशन या फिर ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग में आपको 10 से 15,000 तक का खर्च आएगा। ये कोर्स लगभग 1 महीने से 1 साल तक के बीच का होगा। पार्लर के लिए सही जगह का चयन करें। यूं तो ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए कोई भी ऐसी जगह ठीक रहेगी जहां लोग रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने इस बिजनेस को बेहद सफल बनाना चाहते हैं, आपको कोई ऐसी जगह की तलाश करनी होगी जो मुख्य मार्केट में हो या फिर ऐसी जगह हो जहां महिलाएं अधिक संख्या में आती जाती हूं। यदि आप ब्रांड के अनुसार अपनी सर्विस महंगी बेचना चाहते हैं तो आपको ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहां अच्छे खासे इनकम वाले लोग रहते हों, जिनकी लाइफस्टाइल मॉडर्न हो। याद रखें, ऐसी जगह के लिए आपको मोटी रकम भी लगानी होगी। आप अपना बिजनेस कम लागत में शुरू करते हैं तो आपको ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहां भीड़ भाड़ तो हो लेकिन इलाका सस्ता हो। तो ऐसी जगह पर आप अपनी सस्ती सर्विस देकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपका घर ऐसी जगह पर है जहां काफी भीड़ भाड़ होती है या पॉश इलाका है या फिर मुख्य मार्केट है, तो आप अपने इस बिजनेस का शुभारंभ अपने घर से कर सकते हैं। ऐसे में आपको किराया देने से निजात मिल जाएगा। इस बिजनेस की शुरुआत आप 400 स्क्वायर फीट की शॉप से कर सकते हैं। अगर किराए की बात करें तो इतने एरिया की दुकान का किराया आपको पड़ेगा तकरीबन 10 से 15,000 रुपए। किराया जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन दुकान अच्छी होनी चाहिए। ब्यूटी पार्लर का इंटीरियर बेहद सुंदर और आकर्षक रखें। ब्यूटी पार्लर की साज सज्जा में आप इतना इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा इंप्रेशन होगा। याद रखें, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसलिए अपने ब्यूटी पार्लर के इंटीरियर में काफी सोच समझकर इन्वेस्ट करें और अच्छी गुड वाइब्स वाली डिजाइन चुनें। ब्यूटी पार्लर के इंटीरियर के खर्च की माने तो तकरीबन 1 लाख से 2 लाख तक का खर्च आ सकता है। आपका पार्लर बाहर और अंदर से दिखने में सुंदर और साफ सुथरा हो, इसके लिए आपको सही डिजाइन का चयन करना होगा। ब्यूटी पार्लर की दीवारों को अंदर और बाहर से बेहद अच्छे रंग से रंगवाएं, जो पॉजिटिव फील करवाता हो। पार्लर के अंदर सुंदर सा फ्लोर बनवाएं और छत पर फॉल सीलिंग लगवाएं। पार्लर की लाइटिंग पर बहुत अधिक फोकस करें, जिससे पार्लर के अंदर अच्छा खासा उजाला रहे, ताकि किसी भी सर्विस को देने में लाइट कम ना हो। लाइट का अहम रोल है पार्लर के लिए। पार्लर में एसी जरूर लगवाएं, जिससे किसी भी सर्विस को प्रोवाइड कराने में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, साथ ही हर मौसम में आप अपनी सर्विस दे सकें। बैठने के लिए अच्छा फर्नीचर हो, अच्छी चेयर हो, ड्रेसिंग इंटीरियर बेहद आकर्षक हो जिसमें कई शीशे लगे हों, और सामान रखने का भी अच्छा खासा स्पेस हो। कुल मिलाकर आप अपने पार्लर का इंटीरियर सोच समझकर आवश्यकता के अनुसार बनवाएं। अपने पार्लर की सर्विस लिस्ट बनवाएं। आप अपने पार्लर में किन किन सर्विस को उपलब्ध कराएंगे, इसकी लिस्ट अवश्य तैयार करें, जिससे आपको अंदाजा हो कि आपको क्या क्या खरीदना है और कितना निवेश करना है। पार्लर में काम आने वाली जरूरी मशीनें और कॉस्मेटिक खरीदें। जब एक बार आपने अपने पार्लर में दी जाने वाली सर्विस के बारे में लिस्ट बना ली तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन सी मशीनें खरीदनी हैं, क्या क्या कॉस्मेटिक लगाना है। इन सभी को खरीदने में आपको तकरीबन 50 से 60,000 तक का खर्च होगा। अपने स्टाफ के लिस्ट बनाएं और उनके काम को डिस्क्राइब करें। अब आपने अपने पार्लर के लिए जगह ढूंढ ली, मशीनें, कॉस्मेटिक सर्विसेज और इंटीरियर आइटम्स की लिस्ट बना ली। अब आपको उन सर्विसेज और जरूरत के हिसाब से स्टाफ के स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है। यदि आपको किसी स्टाफ की जरूरत है तो मान के चलिए आपको 10 से 12,000 स्टाफ की सैलरी में खर्च करना होगा। ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। किसी भी बिजनेस को करने के लिए कई तरह की लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। यदि आप ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करने की सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या कानूनी प्रक्रियाएं हैं, ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए किन लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, तो आप पूरी डिटेल्स यहां देखें। साथ ही आप अपनी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए दुकान और पार्लर सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको अपने बिजनेस के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर की आवश्यकता होती है।
जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस से जुड़े सभी टैक्स भर पाएं। आपको अपने पार्लर के लिए जगह या परमिट से संबंधित लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट से भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन ये आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कितनी बड़ी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको राज्य सरकार के लेबर डिपार्टमेंट में शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर शॉप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ पंजीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने राज्य सरकार के जुड़े हुए लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर शॉप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि आपका पार्लर सालाना आय 20 लाख पार कर जाता है तो आपको जीएसटी के लिए पंजीकरण करना होगा। यदि आप एक छोटी सी दुकान में या फिर अपने घर में एक महिला के रूप में ब्यूटी पार्लर खोलती हैं, तो आपको शुरू में लाइसेंस की आवश्यकता तो नहीं होगी, लेकिन ये बेहद छोटे स्तर पर ही लागू होगा, जिसमें आप अधिक सर्विसेज नहीं दे पाएंगी, क्योंकि किसी भी बड़ी सर्विस देने के लिए आपको लाइसेंस देना अनिवार्य होगा, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। यदि आप मीडियम और लार्ज लेवल पर पार्लर शुरू करते हैं तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। यहाँ देखें कौन कौन से लाइसेंस आपके पास होना अनिवार्य है, साथ ही आप इसकी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। कॉस्मोलॉजिस्ट लाइसेंस, यदि आप पार्लर या सैलून खोलना चाहते हैं या चाहती हैं तो ये सबसे व्यापक लाइसेंस है। इस लाइसेंस से आप स्त्री और पुरुष दोनों के स्किन पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा इस लाइसेंस के द्वारा आप उनके नाखूनों पर भी काम कर सकते हैं। बार्बर लाइसेंस, बालों की कटिंग आदि के लिए इस लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा आप पुरुषों के बालों पर काम कर सकते हैं। एस्थेटिशियन, इस लाइसेंस से आप अपने कस्टमर की स्किन पर काम कर सकते हैं, जैसे कि मेकअप, मसाज, रिफ्लेक्सोलॉजी आदि। इलेक्ट्रोलॉजिस्ट, इस लाइसेंस की आवश्यकता उन लोगों को होती है जिनको अनचाहे बाल जड़ से हटाने हों, उनके इस ट्रीटमेंट के लिए होती है। मैनिक्योरिस्ट लाइसेंस, इस लाइसेंस की जरूरत पैरों की मसाज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल्स केयर आदि के लिए पड़ती है। यदि आपके पास ये लाइसेंस है तो आप बिना किसी डर के अपनी सर्विस दे सकते हैं। हालांकि भारत में छोटे पार्लर और सैलून का बिजनेस करने वाले इतने सारे लाइसेंस नहीं रखते, ये केवल सिंगल लाइसेंस से ही सभी सर्विसेज देते हैं, लेकिन कुछ बड़े पार्लर और सैलून अपनी अपनी अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग लाइसेंस रखते हैं। ब्यूटी पार्लर में कितना निवेश लगेगा और कितनी कमाई होगी, ब्यूटी पार्लर खोलने में निवेश आपकी ज़रूरतों पर डिपेंड करता है, यानी कि आप जिस लेवल पर पार्लर शुरू कर रहे हैं, स्मॉल, मीडियम या बेहद बड़े पैमाने पर, छोटे से शुरू करने पर आपको 3 से 5 लाख तक निवेश करना पड़ सकता है। ये निवेश आपकी लोकेशन, शॉप का स्पेस, आपकी सर्विसेज और ब्रांड के ऊपर भी निर्भर करता है। यदि आप अच्छी लोकेशन पर हैं और अच्छी शॉप के साथ अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो आप इसमें अच्छा खासा कमा सकते हैं। 10 लाख तक के निवेश में आप हर महीने 40 से 50 हजार तक कमा सकते हैं। ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए लोन भी ले सकते हैं। सरकार की मुद्रा स्कीम, आप अपने बिजनेस के लिए मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने ये योजना खासतौर पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई है। इस स्कीम के तहत माइक्रो इंडस्ट्री चलाने वालों के बैंक 50,000 से 10 लाख तक का लोन देते हैं। मुद्रा स्कीम के तहत लोन के लिए किसी भी डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत नहीं होती, साथ ही लोन के लिए गारंटर भी जरूरी नहीं होगा। स्टार्टअप इंडिया, युवाओं को बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च की गई स्टार्टअप इंडिया स्कीम, जिसमें महिलाओं के हितों का भी ध्यान रखा गया है। इसके तहत महिलाओं और अनुसूचित जाति को स्टार्टअप मदद के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाएगी। भारतीय महिला बैंक द्वारा दिए जा रही BMB श्रृंगार लोन, यदि आप ब्यूटी पार्लर, सैलून, मसाज सेंटर खोलना चाहती हैं तो आप BMB श्रृंगार लोन से आसानी से ये काम शुरू कर सकती हैं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।